हाय गाइज, माय आठवळ चॅनल वर तुम्हा सर्वांचं स्वागत आहे. आज हम बना रहे हैं कि बर्थडे ग्रीटिंग कार्ड, और उसमें यूज करने वाली हूँ मैं क्राफ्ट पंच. ये देखिए, हाँ, क्राफ्ट पंच मशीन यूज करने वाली हूँ. हमें दो पेपर लगेंगे, पिंक और रेड. आप चाहो जो कलर ले सकते हो. आपको जो इस तरह की मशीन होती है, ये देखिए, इस तरह की मशीन होती है. आपको जो शेप चाहिए ना, वो शेप में आपको ले सकते हो. और साइड क्राफ्टिंग करने के लिए छोटी पंचिंग मशीन भी आती है, तो वो भी आप ले सकते हो. ठीक है, इसको कैसे यूज करते हैं देख लीजिए. तो आप जैसे ही इसको पंच करोगे ना, उसमें से इस तरह के लीफ बाहर आएंगे. तो ये रहा पेपर और ये रही मशीन. इस तरह के जो फ्लावर्स बनेंगे उस पर, तो उसमें कटिंग करने के लिए वक्त नहीं जाता, आराम से कटिंग हो जाती है. और क्राफ्ट भी आप जो भी कर रहे हो जल्दी बन जाएगा. ठीक है, पेपर को इसमें फंसा लेना है और उसके बाद में इसको ऊपर से प्रेस करना है. अब ये कबर्ड नीचे आ जाएगा तो मैं बाहर करके आपको दिखा देती हूँ. तो ये देखिए, इस तरह के फ्लावर्स जो शेप है ना उसपे, इस तरह के फ्लावर निकल कर आएंगे. क्या करना है, फ्लावर को लेना है, कैंची ले लो, ये देखिए सीजर ले ली, और मिडिल तक कट करना है. मिडिल तक कट कर देंगे इसको. फेविकॉल लेंगे, तो ये रहा फेविकॉल. और यहाँ पे देखिए, इसका जो कट किया है ना हमने, वही पे ग्लू लगा देंगे. थोड़ा सा फैला दो. और ये फोल्ड इस तरह का, हाँ इस तरह का, इसके पीछे ये देखिए एक दूसरे पे ओवरलैप कर देने. थोड़ी फ्लैट रहेगी तो और भी अच्छा है. इस तरह के फ्लावर बना लेने हैं. देखिए ये रहे, बहुत सारे मैंने पहले ही डन करके रखे. इस तरह के फ्लावर तैयार करके रखिए. ये छोटे वाले से मैंने ये बीच में के फ्लावर तैयार कर ले. हार्ट शेप भी है मेरे पास, वो भी मैंने पहले डन करके रखा हुआ है. और कुछ बीड्स लिए हैं मैंने, ये देखिए, ये जो मिडल वाले है ना, ये मिडल वाले, इसे हम इसमें कर देंगे, प्लेस कर देंगे. तो पहले सर्कल काट लेने हमें. ये देखिए सर्कल ड्रॉ कर रही हूँ मैं, हाफ सर्कल मुझे लगेगा. तो ये रहा हाफ सर्कल. हाफ सर्कल एक लगेगा और एक लगेगा दूसरे कलर में लेंगे. आपको जो साइज में चाहिए ना, वो साइज में आप ले सकते हो. 8 सेंटीमीटर लिया है मैंने ये वाला. अभी का पेपर के सेंटर में रख दीजिए और फिर इसको ड्रॉ कर लीजिए. ये रहा. मैं मराठी में भी बोल सकती हूँ, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि मेरे और भी फ्रेंड्स हैं जो हिंदी में बात करते हैं, उनके समझ में नहीं आएगा. तो एक छोटा एक बड़ा सर्कल ले लिया, एक छोटा और ये रहा एक बड़ा. अभी इसको कट कर लूंगी. सर्कल कट कर लिया मैंने, दिखा देती हूँ आपको. ये रहे, इस तरह से इनको रख देना है, प्लेस कर ले, एक दूसरे पे चिपका लीजिए. ये बड़ा सर्कल और ये छोटा सर्कल. तो अब मैं इनको चिपका लूंगी. आज मैं एक बर्थडे ग्रीटिंग कार्ड बना रही हूँ. मेरे छोटे से भांजे का बर्थडे आ रहा है, लेकिन क्या है ना, मेरे पास पेपर नहीं थे. जो पेपर थे घर में, मैंने वो ही यूज कर लिए. मुझे पता है आप में से कुछ लोग कमेंट करेंगे, अरे लड़का है तो ब्लू पेपर यूज करना चाहिए था, पिंक क्यों लिया. पर मेरे पास जो है मैं वो यूज कर रही हूँ. और प्लीज प्लीज मेरे चैनल को सपोर्ट दिखाइए. लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए. आगे भी और भी ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आने वाले हैं. इस तरह का बन जाएगा, देखिए इस तरह के बीड्स लगाने वाली हूँ. ये रही मेरे हाथ में, दिख रही है ना. हाँ, तो इसको बीच में सेंटर में अटैच कर देंगे इस तरह से. अगर नहीं हो रही है ना, तो सीधा फेविकॉल से लगा दीजिए. फेविकॉल से लगा रही है. ये रही फेविकॉल और ये रहा हमारा फ्लावर. तो उसके अंदर हम इसे प्लेस कर देंगे.
टेढ़ी मेढ़ी लग जाए टेंशन नहीं है, चलेगा। तो मैं अभी सारे प्लेस करके आपको दिखा देती हूँ। बादलों के शेप में मैंने इसे को कट कर लिया है। अगर आपको लगे तो आप प्लेन भी रख सकते हो, ऐसे स्क्वायर में इस तरह से रख सकते हो, पर छोटे बच्चे हैं ना उनको ऐसे बादल बिदल बहुत पसंद होते हैं। तो मैं कोशिश कर रही हूँ बादलों के शेप में ही कट कर लेने की। इस तरह का एक बादल मैंने कट कर लिया है और दिखाती हूँ आपको। जो हमने हाफ शेप में राउंड कट कर लिए थे उसको इस तरह के फोल्ड में बेंड कर लेना है, देखिए, ठीक है। और एक बार यहाँ से, एक बार यहाँ से, ओके। मैं आगे का दिखाती हूँ। अब ये फोल्ड पड़ गए, अब इसके क्या करना है वो दिखाती हूँ। कल मैं मार्केट गई थी तो कुछ मार्कर पेन लेकर आई हूँ, ये देखिए। इससे हम थोड़ा डेकोरेशन करेंगे इसके अंदर। ये रही ब्रश पेन है, यहाँ से हम लोग स्काई में थोड़ा सा टचअप देंगे, ये देखिए। ठीक है, इसके जो आउटलाइन है वही कलर करनी है फर्स्ट, सिर्फ कलर चेंज करेंगे इसका। डार्क ब्लू लेते हैं, नीचे शेड आएगी ना तो बादलों में भी शेड रहती है, तो नीचे हम डार्क ब्लू कलर लेंगे। आप ये मत भूलिए कि मुझे लाइक शेयर और सब्सक्राइब बिल्कुल करिए, ताकि आने वाली वीडियो आपसे मिस नहीं हो। वैसे भी मेरी बहुत सारी वीडियो आने वाली है आने वाले समय में, उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी आप सब्सक्राइब कर लोगे तो। कुछ फूल चिपका लेने हैं हमें, तो उसकी दंडिया बना लेंगे और लीफ बना लेंगे। तो ग्रीन कलर का मैंने स्केच पेन लिया है, ये रहा। आप सपोर्ट करोगे तो ही मुझे ये मिलेगी प्रेरणा कि मैं और भी अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए बना सकूं। देखिए इस तरह के वीडियो, इस तरह के हमें लीफ बना लेने और थोड़े डॉट लगा देंगे ताकि देखने में अच्छा लगे। हम इसे विशिंग कार्ड को चिपका देते पहले। इस तरह से यहाँ हमें प्लेस कर देना इसको, और इस पे हमारा जो भी मैसेज रहेगा ना वो टाइप कर देंगे, इस पे लिख देंगे हाथ से। तो अब तक का इतना वीडियो, अगर आपको पसंद आ गया प्लीज लाइक कर दो वीडियो को। फ्लावर चिपकाने का कोई भी सीक्वेंस नहीं है कि इस तरह से अटैच करने, सिर्फ कलर देख लीजिए आप ना। इस तरह से या फोल्ड ना करते हुए इस तरह से सीधा भी चिपका सकते हैं, कितना अच्छा लग रहा है। सिर्फ इसको सूखने दीजिए, जरा वक्त दीजिए उसको। इस तरह से हमें इसे अरेंज कर लेना है। आप भी फ्लावर्स के अलावा इसमें बलून्स बना के लगा सकते। आप चाहो तो मैंने आपको जैसे बताया कि फ्लैट फ्लावर भी लगा सकते हो, इसको पॉइंट है नीचे से तो उसे ना बनाते हुए आप इस तरह से फ्लैट फ्लावर भी यूज कर सकते हो। ये जो हार्ट शेप इन्हें यहाँ चिपका लेंगे, आपको जैसे अच्छे लगे वैसे आप चिपका लीजिए। लेकिन अब इसे सूखने दूंगी, थोड़ा सूखने दीजिए फिर इसे रेडी कर दें। जो मैंने अभी लगाया ना यहाँ पे, ये वाले शेप की ये पंचिंग मशीन है, और जो अभी लगाऊंगी आगे ये रहा इसकी, ये तो इनको अरेंज करना पड़ेगा शेप के हिसाब से, इसको ओवरलैप कर देना है एक दूसरे पे। सॉरी पत्तियों को ओवरलैप कर देंगे एक दूसरे पे, कितनी अच्छी दिख रही है, ये रहा देखिए, है ना। कैसे लगा? बहुत बढ़िया, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। आपको कैसे लगा प्लीज कमेंट करके बता दीजिए, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। बहुत दिनों के बाद कुछ कर रही हूँ, इसको इस तरह से फोल्ड करना है, ये रहा, एकदम प्रेशर से नहीं लेकिन इस तरह से फोल्ड करना है।
एक आखिरी काम बचा हुआ है वो दिखा देती हूँ। हम लोग देखिए देखिए हैप्पी बर्थडे लिख रहे हैं। आप कोई भी मैसेज टाइप कर सकते हो जिसकी आपको रिक्वायरमेंट रहेगी ना, उतना बड़ा आप लिख लीजिए। तो कार्ड बन गया है, देखिए। तो देखिए कार्ड बन गया है, हमने मैसेज लिख दिया है। अब मैं आपको आगे के दिखाती हूँ। तो ये रहा हमारा ग्रीटिंग कार्ड, तो रेडी है, लेकिन इसे ना बांधने के लिए लेस ढूंढ रही हूँ। तो मैंने पेपर लेस बना ली है और इस पर हम चिपका रहे हैं फ्लावर को। आप दो या तीन फ्लावर भी लगा सकते हो। इस तरह की लेस हमने बना ली है। हमारा बर्थडे विशिंग कार्ड रेडी है। आप चाहो तो इसमें चॉकलेट भी डाल सकते हो। इस तरह की जेली चॉकलेट आती है। अभी मेरे पास यहाँ पे यही पड़ी हुई थी, जेली चॉकलेट आती है, उसको इसके अंदर डाल सकते हो, या कैडबरी रख सकते हो, जो भी आपको ठीक लगे वो आप रख सकते हो इसके अंदर। और आप बर्थडे बॉय को या बर्थडे गर्ल को इसको गिफ्ट कर सकते हो। तो प्लीज़ वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। चैनल पे बने रहिए, आने वाले दिनों में होली का वीडियो भी आने वाला है, ठीक है। देखिए इस तरह से दिखेगा।